सब्सक्राइबर्स अन विथ स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का डेट है 26 जून 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम अदानी पोर्ट के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे टेक्निकल एनालाइज करने से पहले हम चलते हैं अदानी पोर्ट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ओर अदानी पोर्ट का अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला रेवेन्यू एंड नेट इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला यहाँ पर कैश इन हैंड में हमें फॉल देखने को मिल रहा है बट अगर हम लास्ट क्वार्टर को इस प्रेजेंट क्वार्टर के साथ में कंपेयर करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और एक नज़र डालते हैं एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे तो 2017 से लेके अच्छा ही परफॉर्मेंस अदानी के जो कंपनीज़ है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनमें से ही एक कंपनी है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसमें आप देख पा रहे हैं जीरो पॉइंट फिफ्टीन परसेंट का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें अब भी देखने को मिला अब चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की ओर अब हमने कंपनी के फंडामेंटल्स का एक ओवरव्यू कर लिया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट के स्टॉक में यहाँ पर जो प्राइस था 898 से नीचे आया लगभग 641 पे और यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड सेटअप बन सकता है अगर प्राइस यहाँ से नीचे आए लगभग 660 के आसपास तो हमें यहाँ से बाय करके फिर से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है ऑन अ डेली चार्ट पे बट क्या हमने ये लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके लिए हल्की सी नजर हम मंथली चार्ट पर डालेंगे और अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे ये अदानी पोर्ट का मंथली चार्ट है। लगभग इसके ब्रेकआउट पे 436 के ब्रेकआउट पे स्टॉक ने एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया जो कि लगभग 880 के आसपास का है और हम यहाँ पर देखेंगे तो अदानी पोर्ट का जो स्टॉक है इसने मिनिमम सिक्स टू सेवन मंथ के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हंड्रेड परसेंट रिटर्न जनरेट किया हुआ है अब चलेंगे हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे मींस वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं अब अदानी पोर्ट का जो स्टॉक है वो एक साइडवेज ट्रेडिंग में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा यहाँ पे हमें एक जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है ऑन रिट्रेसमेंट या बुलिशन गल्फीन का तो क्या इस पैटर्न को या इस प्राइस एक्शन को हमने ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इसके लिए हम चलेंगे अदानी पोर्ट के रिसेंट न्यूज के ऊपर और रिसेंट न्यूज़ ये है कि बिज़नेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट देख पा रहे आप इसे खुद भी गूगल पर आके पूरा पढ़ सकते हैं जिसमें ओवरऑल ये दिया हुआ है कि म्यांमार में जो अदानी पोर्ट का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस प्रोजेक्ट में जहाँ तक हंड्रेड परसेंट के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है और वहाँ जो सत्ता पलट हमें देखने को मिली उसके चलते और वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है उसके चलते कंपनी को हो सकता है कि म्यांमार का प्रोजेक्ट छोड़ना पड़े तो ये न्यूज़ को आप डिटेल्स में गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं और इस न्यूज़ को देखने के बाद और जिस तरीके से हमने देखा कि फोर टू फाइव मंथ के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस यहाँ पर हंड्रेड परसेंट रिटर्न दे चुका है तो क्या हमने यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए पुल बैक ट्रेड लेना चाहिए तो अब हम डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें किस तरीके के प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ये एंड हम मैंने टू लोस को मैंने इस लो को और इस लो को कनेक्ट कर दिया आप देख पा रहे इन टू लोस को जब मैंने ऑन अ डेली चार्ट पे कनेक्ट किया तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट बिकमर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है और अगर रिसेंट प्राइस एक्शन को हम देखेंगे तो इस हाइस को इस हाइस को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लियर एक डाउन ट्रेंड बन चुका है अब यहाँ से हल्का हमें बाउंस आता हुआ भी दिखे तो मुझे नहीं लगता है कि अदानी पोर्ट में हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऑन डेली बेसिस पे जब प्राइस 800, 900 के ऊपर ऑन क्लोजिंग देता है तब ही अदानी पोर्ट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी वो लॉन्ग टर्म के लिए हम देख सकते हैं हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा और जस्ट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना है और जॉइन बटन पे क्लिक करने के बाद आप जिस तरीके से ट्रेड को प्रीफर करते हैं जैसे कि इंटरा ट्रेड तो इसका जो आपको कॉस्ट आएगा वो है ओनली फिफ्टी नाइन रुपीज़ पर मंथ अगर आप स्विंग ट्रेड को प्रीफर करते हैं तो इसका कॉस्टिंग आएगा आपको ओनली एटी नाइन रुपीज़ पर मंथ और आप इंटरा स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड इन तीनों ट्रेड को प्रीफर करते हैं तो आपको कॉस्ट आएगा 199 पर मंथ